आप लोग डीजे पान करें, जो डीजे बज रहा है कमेटी के कोई भी सदस्य है तो उनके जाकर बोले डीजे बंद करें। कमेटी के वॉलेंटियर जो डीजे बज रहा है उसको बंद करवाइए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक जो पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट आज राजनीति के बारे में क्यों बात कर रही है। राजनीति में बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग विवश हो चुके हैं राजनीति में आने के लिए, हमारे टाइगर दादा को लाने के लिए विवश हुए हैं, इसीलिए आज राजनीति का बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस जगह को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं ना। लेकिन हम लोग का जो यहाँ पर नियम नीति बन रहा है झारखंड में, कौन बना रहा है? नहीं भैया, ये आप गलत बात बोल दे रहे हैं। हमारा सीएम रहेगा टाइगर जयराम महतो, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। आज उन्हीं के बदौलत यहाँ इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है ना। लेकिन 24 में हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें संगठन बनना है, संगठन भीड़ नहीं। भीड़ कभी भी भाग सकता, भीड़ कभी भी हट सकता, भीड़ कभी भी हरिया दारू में बचा सकता, लेकिन एक संगठन नहीं बचा सकता है। इसलिए आप सबसे विनती और रिक्वेस्ट रहेगा कि इस संगठन को मजबूत बनाइए और 24 में इसका परिणाम दिखाइए। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगी क्योंकि और भी दादा लोग हैं जो कि आगे अपना बात रखेंगे। और सभी से मेरा विनती है कि जो अगर हमसे कहीं भूल चुके हुई हो तो छोटी बहन और बेटी समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा। और टाइगर दादा को बहुत बहुत आभार कि आज मुझे इस मंच पे दो शब्द बोलने का हमको मौका मिला है। सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहर है ना। ये काफी का एक काफी विधायक हमारा जदी के सदस्य होना चाहिए, हमारा जदी के सदस्य। भाई आवश्यक सूचना देना चाहता किले का बच्चा खो गया जो स्टेज में है, आप लोग ध्यान से देखें, किले का बच्चा है। लाइट बंद कर दीजिए, जो अपने माँ से गुम हो गई है आप स्टेज में आके ले जाएं। अगर हमारी आवाज तक जो कि सरायकेला खरसावां से आई हुई है तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। जितने भी यूट्यूबर भाई लोग और मीडिया बंधु लोग जितने भी हैं, जितने दादा लोग हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहर।
ये कीचड़ साफ कब होगा? जब एक संगठन बनेगा, संगठन मजबूत होगा, संगठन अर्पण से नहीं समर्पण से होता है। सबको समर्पण होना पड़ेगा इस संगठन में। ये जो जेबी केसेस का संगठन है,